नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं देसी ड्राइविंग स्कूल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजन कूलिंग सिस्टम की। और आपने इस वीडियो को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इंजन कूलिंग सिस्टम का बेसिक फंक्शन और उसके बेसिक पार्ट के बारे में जान पाएँ, और कभी ज़रूरत पड़ने पर या फिर कभी आपकी गाड़ी ओवरहीट हो जाती है तो आप डायग्नोज कर पाएँ अपनी गाड़ी के किस पार्ट में प्रॉब्लम आई हुई है। तो इंजन कूलिंग सिस्टम की कुछ मेन पार्ट की हम बात करते हैं। पहले मैं दिखा देता हूँ जो मेन पार्ट है वो कहाँ कहाँ पर लोकेट है इंजन के अंदर। ये वैगन आर का इंजन है। कूलिंग सिस्टम के पार्ट में से जो सबसे पहला पार्ट है वो है आपका वाटर पम्प। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेल्ट के ऊपर, ये जो डिवाइस लगी हुई दिख रही है आपको, ये एक्चुअल में वाटर पम्प है। और वाटर पम्प का फंक्शन ये है कि कूलेंट को आपके इंजन के अंदर से सर्कुलेट करना, रेडिएटर से सर्कुलेट करना, और जो आपकी हीटिंग कॉइल होती है अंदर, जो हीटर है आपका, जो हीटर है जो आपके केबिन को गर्म करता है, उस पे सर्कुलेट करना, ये काम सारे वाटर पंप के होते हैं। और जो दूसरी जो मेन चीज़ है वो है आपका रेडिएटर। आप देख सकते हैं ये रेडिएटर की कैप है और ये पूरा रेडिएटर है। और रेडिएटर के साथ एक लगा होता है फ़ैन जो यहाँ पर दिखेगा आपको, और ये इलेक्ट्रिक फ़ैन है और इसे बोला जाता है रिजर्वर टैंक। आप अपने कूलेंट को इसमें स्टोर करते हैं। और जो एक और मेन पार्ट होता है कूलिंग सिस्टम का वो है आपका थर्मोस्टेट। वो आपको दिखाई नहीं देगा, उसको थर्मोस्टेट वॉल्व बोला जाता है। वो इसके अंदर लगी हुई होती है। और देखिए थर्मोस्टेट वॉल्व कनेक्ट है रेडिएटर से, ये जो पाइप आ रहा है यहाँ से देख सकते हैं, ये थर्मोस्टेट वॉल्व है और यहाँ से पाइप आ रहा है आपका सीधे रेडिएटर के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले जब हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हमारा इंजन के साथ साथ हमारा जो वाटर पंप है वो भी साथ में काम करता है। वाटर पंप सप्लाई करता है कूलेंट की इंजन के अंदर, सर्कुलेट करता है उसको रेडिएटर के आगे। अगर हम कोल्ड इंजन स्टार्ट करते हैं, जब इंजन का टेम्परेचर एटमोस्फेरिक टेम्परेचर के आसपास पहुँच जाता है जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं, तो जो गाड़ी का कूलिंग सिस्टम है वो उस टाइम पर स्टार्ट नहीं होता। वो स्टार्ट तब होता है जब इंजन अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए। तो जो नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर है हम उसको कूलेंट के टेम्परेचर से मेज़र करते हैं। तो इंजन का नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर 90 से 95 डिग्री के आसपास होता है। कहने का मतलब ये है जब कूलेंट का टेम्परेचर 90 से 95 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा तब कूलिंग सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा। मतलब कि जब जो कूलेंट है वो ठंडा होने के लिए रेडिएटर के अंदर नहीं जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए होता है हमारा जो थर्मोस्टेट वॉल्व लगा है, जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर लगा हुआ है। जब इंजन प्रॉपरली अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर में नहीं आया हुआ था तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है। अभी एक पाइप यहाँ पर जो है ये वाला पाइप, ये जो है रेडिएटर की तरफ जा रहा है, रेडिएटर के ऊपरी हिस्से में। और ये जो पाइप है आप देख सकते हैं, ये जो पाइप है ये बाईपास पाइप बोला जाता है इसको। जब तक इंजन अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर में नहीं आया होता है तब कूलेंट इंजन के अंदर ही सर्कुलेट करता है। और जैसे ही इंजन अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर से ऊपर जाने लगता है तो थर्मोस्टेट वॉल्व ओपन हो जाती है, तो आपका जो कूलेंट है वो इस पाइप के थ्रू यहाँ पर रेडिएटर के ऊपर आ जाता है, रेडिएटर के ऊपर जाता है। और ड्यू टू ग्रेविटी वो जो आपका कूलेंट है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते रहता है। और रेडिएटर में होती है एल्युमिनियम की फॉइल्स जो कि कूलेंट से उसका हीट एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको एटमॉस्फेयर में डिसिपेट कर देती है, उसको एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल देती है उस गर्मी को। और जब आपका कूलेंट पहुंच जाता है रेडिएटर के नीचे से बिल्कुल नीचे तो हो जाता है ठंडा, और वहां से उसको जो आपका वाटर पंप है उसको पिकअप करके दोबारा से इंजन के अंदर सर्कुलेट करता है और फिर से वही प्रोसेस चलता रहता है। ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ़ैन की। इलेक्ट्रिक फ़ैन आपका तभी काम करेगा जब कूलेंट का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। कूलेंट का टेम्परेचर पता करने के लिए लगा होता है इंजन में एक टेम्परेचर सेंसर। अगर जैसे ही उस टेम्परेचर सेंसर को पता चलता है कि कूलेंट का टेम्परेचर इतनी डिग्री सेल्सियस में पहुँच गया है, वो इनपुट देता है आपके इलेक्ट्रिक फ़ैन को जो कि आपकी गाड़ी के कूलेंट को कूल होने में हेल्प करता है। और एक बात और बता दूं दोस्तों मैं आपको कि जो गाड़ी के अंदर हीटर होता है वो हीट अब्जॉर्ब करता है इंजन के हॉट कूलेंट से। जब आपका कूलेंट हॉट हो जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पाइप दिखाई देगी आपको,
मेरी फिंगर से आप देख सकते हैं ये जो पाइप है, ये जो है इन की पाइप है और ये आउट की पाइप है, ये अंदर से आ रही है। तो अंदर एक कॉइल होती है, उसके पीछे ब्लोअर लगा होता है, जो कि जो कॉइल जो है इंजन के कूलेंट की गर्मी से गर्म हो जाती है, और जो पीछे से ब्लोअर चलता है वो हीट आपके केबिन के अंदर आती है, जिससे कि आपका केबिन सर्दियों के दिनों में आप गर्म करते हैं। तो ये जो हीट है वो आपकी कूलेंट की ही हीट होती है जो आप केबिन के अंदर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक फंक्शन कूलिंग सिस्टम का। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर जो ये आप कैप देख रहे हैं रेडिएटर की, इसके ऊपर लिखा हुआ है डेंजर नेवर ओपन हॉट। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इस रेडिएटर के अंदर प्रेशराइज कूलेंट रहता है, और इसको प्रेशराइज इसलिए रखा जाता है कि क्योंकि अगर इसका जितना ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होगा, तो आपको पता होगा कि लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसे एक प्रेशराइज कंटेनर के अंदर रखा जाता है तो उसका जो है बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये हेल्प करता है कि कूलेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, जिससे कि आपका कूलेंट इवेपोरेट ना हो। और साथ ही साथ ये जो आप कैप देख रहे हैं, ये एक प्रेशराइज्ड कैप है, तो एक स्प्रिंग लोडेड कैप है। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं, अगर जब आप आपका इंजन हॉट हो तो आप इसे खोलने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि जैसे ही आप इसके अंदर का प्रेशर कम कर देंगे या फिर ख़त्म कर देंगे, तो अंदर का कूलेंट जो है फिर से बॉयल होने लग जाएगा, क्योंकि वो अपने बॉइलिंग टेम्परेचर में आ जाएगा, क्योंकि आपने प्रेशर वहाँ से रिलीज़ कर दिया है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अमाउंट कूलेंट का गिरा गाड़ी पे, तो आप देख सकते हैं कि एक प्रेशराइज कैप है, स्प्रिंग लोडेड कैप है। जैसे अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है कूलेंट का, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, तो ये स्प्रिंग आपकी दब जाती है। स्प्रिंग आपकी दब जाती है तो ये वॉल एक वॉल का भी काम करता है, जो कि ओपन हो जाता है, और आपका जो कूलेंट है एक्स्ट्रा कूलेंट इवेपोरेट ना होके वो आपके रिजर्वर टैंक में आ जाता है। तो आप जब देखते होंगे, जब आपकी गाड़ी गर्म है तो आपका कूलेंट जो रिजर्वर है, जो कूलेंट का रिजर्वर टैंक है, वो आपको हमेशा मतलब लेवल हाई दिखाएगा। और जैसे ही गाड़ी ठंडी होती है और जैसे ही आपका रेडिएटर के अंदर का प्रेशर ख़त्म होता है, तो जो वैक्यूम बना होता है वो वैक्यूम के थ्रू जो कूलेंट है वो वापस अपना रेडिएटर के अंदर आ जाता है। तो ये थे कुछ बेसिक फंक्शन इंजन के कूलिंग सिस्टम के। और मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ी बहुत आपको देखने में परेशानी हो रही होगी, लेकिन मैंने कोशिश ऐसी करी कि आपको सब समझ में आए और सब दिखाई दे। और तो नेक्स्ट वीडियो का मेरा प्लान है कि जब आपकी गाड़ी ओवरहीट हो जाती है तो आपने कैसे हैंडल करना है, आपने कैसे रिएक्ट करना है, आपने कैसे डायग्नोज करना है कि आपके कूलिंग सिस्टम के कौन सा पार्ट ख़राब होने के कारण वो गाड़ी आपकी ओवरहीट हो रही है। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही कवर करना चाहूँगा। अगर आपके कोई सवाल और सुझाव हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ चीज़ मेरे से अगर आप छूट गई है बाय मिस्टेक, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। इजाज़त चाहूँगा इस वीडियो में आप लोगों से। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।